दीपावली की संध्या पर अद्भुत दिखी संगम नगरी। जी हाँ, दीप मालिकाओं की अद्भुत छटा से जगमग हुआ संगम क्षेत्र। जिला प्रशासन एवं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को संगम क्षेत्र में देव दीपावली के पावन पर्व का भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजन किया गया था। संगम नोस तथा आसपास के घाटों को लगभग 5 लाख दीपों से अधिक दीपों से भव्य रूप से सजाया गया। देव दीपावली के अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व अन्य न्यायमूर्तिगण तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां त्रिवेणी की भव्य रूप से आरती की गई एवं दीपदान किया गया। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस देव दीपावली को प्राचीन काल से लोग मानते आ रहे हैं, किंतु प्रयागराज में इसको भव्य रूप देने में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज का अहम योगदान रहा। उन्होंने बाघम्बरी मठ के सभी छात्रों के साथ महात्माओं को लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन भव्य देव दीपावली को मनाने का काम शुरू किया, जिसको प्रयागराज में प्रशासन को द्वारा बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। किंतु यहां पर भी दिवंगत नरेंद्र गिरी जी महाराज की भारी कमी महसूस हो रही थी। देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की गई थी। उसी के अनुरूप विभागों के द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर न्यायमूर्ति एनके जौहरी, न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर, न्यायमूर्ति समीर जैन, सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल, मंडलायुक्त संजय गोयल, आईजी जोन राकेश सिंह, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के द्वारा अन्य अधिकारीगण तथा काफ़ी संख्या में आम जन लोग मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।